जिला सोलन के नालागढ़ में एसडीएम केशव राम ने 6 अक्टूबर को बद्दी के तहसील दफ्तर में औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को कार्य के प्रति लापरवाह पाया, जिसको लेकर एसडीएम ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बद्दी के तहसील दफ्तर में औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम केशव राम ने पाया कि एक कर्मचारी ने 6 अक्टूबर को ही 8 अक्टूबर तक की हाजिरी लगाई थी, वहीं एक और कर्मचारी ने 11:45 तक अपनी हाजिरी नहीं लगाई थी, जिसको लेकर एसडीएम ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा था। मामले को 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन बाद बद्दी तहसील के सभी कर्मचारी मिलकर एसडीएम नालागढ़ के विरोध में उतर गए और सोमवार को नालागढ़ में एसडीएम कार्यालय के बाहर दर्जनों कर्मचारियों ने एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि एसडीएम द्वारा उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उन पर जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। उनका कहना है कि यदि कर्मचारियों के साथ ऐसी ही मनमानी होती रही तो वो आने वाले दिनों में मिलकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होगी। जो इन्होंने कार्रवाई की है हम उसका विरोध करते हैं और हम अगर ये अपनी ऐसे ही उपमंडल नालागढ़ कर्मचारियों के साथ ऐसी मनमानी करते रहे तो हम अपने रोष व्यक्त करेंगे और हमने आधे दिन का हाफ डे लीव लेकर के आज कुछ थोड़ा प्रदर्शन शांतिपूर्ण के ढंग से कर रहे हैं, तो यही हमारा हुआ है उनसे कि वो आगे के लिए हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसा ना करें। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जो नालागढ़ इकाई के श्री सोन सिंह जी ने बताया कि भाई हमें पता चला है कि बद्दी तहसील कार्यालय में हमारे कार्यवाहक जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उन्होंने वहाँ कुछ अटेंडेंस रजिस्टर में कमियाँ पाई, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में ये आया कि हाजिरी रजिस्टर मंगवाया और हाजिरी रजिस्टर मंगवाने के उसमें जो हमारे निर्मल जी वरिष्ठ सहायक हैं वो जो कि बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार कर्मचारी हैं और जिनके ऊपर मतलब कम से कम तहसील का 80% कार्य वो कर रहे हैं, इस टाइम संभाल रहे हैं, अकेले कर्मचारी स्टाफ की कमी को देखते हुए सब कुछ वो कार्य कर रहे हैं। फिर उन्होंने से जैसे ही इन्होंने रजिस्टर मांगा तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैंने आज, जबकि ये 8 बजे कार्यालय में पहुँच गए थे, फिर इन्होंने देखा कि शायद मैंने हाजिरी नहीं लगाई, इन्होंने गलती से जल्दबाजी में उसमें अपनी हाजिरी आगे वाले कॉलम में अंकित कर दी। बाद में इन्हें रियलाइज भी हो गया कि ये जो हाजिरी है मेरे से गलती से लगी है और उन्होंने उसी टाइम अफसर साहबान के नॉलेज में भी ला दिया कि सर मेरे से एडवांस में हाजिरी लग गई है। तब भी उसके बावजूद भी उन्होंने उनको ना तो वहाँ हिदायत दी ना कुछ नहीं और तुरंत आके एक रिपोर्ट तैयार करवाई। अभी हम चाह रहे हैं कि भाई ये हमारे कर्मचारी के साथ गलत हुआ है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।